हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सूजी की बर्फी। फ्रेंड्स, जब भी आपका कुछ अचानक से मीठा खाने का मन कर जाए या फिर कोई आपके घर पे गेस्ट आ गए हैं, तो आप इस बर्फी को बना के खा सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले ली है। सूजी इसमें डालेंगे, मैं पूरा मेजरमेंट इसी कटोरी से करूँगी, आप कोई भी कप ग्लास भी ले सकते हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम सूजी को चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, यानी कि इसका कलर जो है रेड नहीं होना चाहिए, हल्का सा सफ़ेद ही रहना चाहिए। और उसको हम इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएँ कि अच्छे से भुन गई है। ये देखिए, आप देख सकती हैं सूजी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। बिल्कुल हमें इसी तरह का इसको भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर सूजी ली थी, उसी कटोरी से हम इसमें दो कटोरी दूध डालेंगे। तो एक हाथ से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम इस तरह से इसमें दूध डालते जाएंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें पानी का यूज भी कर सकते हैं, बट दूध से ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये मैंने यहाँ पर दो कटोरी पानी डाल दिया है। अगर आपको और भी ज़रूरत लगे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सूजी और भी थिक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का हमें इसका बैटर जैसा बनाना है। अगर इससे थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें। तो एक कटोरी सूजी के लिए मैंने यहाँ पर ये आधी कटोरी चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी और कम चीनी ले सकते हैं, बट इससे बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी एकदम बर्फी। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, चीनी डालती आप देख सकती हैं इसमें जो चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, बैटर जो है थोड़ा सा पतला हो गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी लम्स दिख रहा है तो उसको इस तरह से मैश करते रहें ताकि वो लम्स इसमें ना रहे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, एक परफेक्ट बैटर बन गया है। तो ये मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इससे बहुत ही टेस्टी लगती है बर्फी। तो आप इसको ज़रूर डालें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे, इससे थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी कोकोनट का पाउडर ले लिया है। देखिए, मैं आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ही कटोरी से पूरा मेजरमेंट किया है, इससे आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से अब हम इसको भी मिला देते हैं। अगर आपको लगे कि और भी ज़रूरत है इसमें, तो आप थोड़ा सा कोकोनट का पाउडर इसमें और भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से डो की तरह ना हो जाए, यानी कि जमने की कंसिस्टेंसी में ना हो जाए, जब तक हम इसको पका लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें मैंने थोड़े से काजू, पिस्ते और बादाम, उनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। थोड़े से हम बचा लेंगे बाद के लिए गार्निशिंग के लिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ इलायचियों को इस तरह से क्रश कर लिया है, ये डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से कढ़ाई ना छोड़ने लगे और ये बिल्कुल डो की तरह ना बन जाए, यानी कि जमने की कंसिस्टेंसी में ना हो जाए, जब तक हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। हमें इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या हुआ कि नीचे से जल जाएगा। और ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकती हैं ये नीचे से कढ़ाई छोड़ने लगा है, अच्छे से थिक हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बर्फी जमाने के लिए इस तरह की एक ट्रे ले ली है और ऊपर से मैंने यहाँ पर सिल्वर पेपर लगा लिया है। तो अब हम इसमें सारे बैटर को डाल देते हैं और अब हम बैटर को अच्छे से इसमें फैला देते हैं। आपको जितनी मोटी बर्फी बनानी है उस हिसाब से आप बैटर को थोड़ा सा पतला मोटा फैला सकते हैं। तो इस तरह से हम इस स्पैचुला से इसको अच्छे से फैला देंगे और ऊपर की जो सरफेस है उसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का हमें बैटर को बनाना है। अब हमने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे उनको हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं, इससे बर्फी देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत जल्दी बन जाती है, आप इसको ज़रूर बना के देखें। अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से थोड़ा सा इसमें प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें दब जाएँ। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर दिया है।
ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको जल्दी बर्फी खानी है तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तभी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 घंटे के बाद इसको फ्रिज में से निकाल दिया है, पूरी तरह से सेट हो गई है अच्छे से। तो अब हम इसको ट्रे में से बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम बर्फी को कट करेंगे, तो एक नाइफ की हेल्प से हम इसको कट करेंगे। आप कोई भी शेप में इनको कट कर सकती हैं और पीस भी आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे या बड़े कट कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सारे पीसों को कट कर लिया है। अब मैं आपको एक पीस को निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बर्फी जमी है। आप इसको किसी को खिलाएंगे तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने सूजी से बनाई है। बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए कितनी आसानी से इसके पीस निकल रहे हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसी लग रही है। तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है और आपने देखा ही होगा कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।